कुल्लू जिला मुख्यालय में एचपी पूर्व सैनिक लीग कुल्लू और लाहौल स्पीति ने कर्नल पृथ्वीचंद महावीर चक्र सामुदायिक भवन और सीडीएस कैंटीन के सभागार में 1971 विजय दिवस की गोल्डन जुबली के उपलक्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता टी एस ठाकुर ने की और पूर्व सैनिकों ने तिरंगा झंडा फहराकर देश के वीर शहीद जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत और अन्य 13 सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं एचपी पूर्व सैनिक लीग कुल्लू व लाहौल स्पीति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर टी एस ठाकुर ने बताया कि इस दिन देश सेवा में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। यहां पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। आज हम सभी पूर्व सैनिक जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के यहाँ हमारे पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन में इकट्ठे होकर के जो हमारे इंडो पाकिस्तान युद्ध जो है 71 वार हुई उसकी गोल्डन जुबली हम यहाँ पर मिलकर हम मना रहे हैं और उसमें जो हमारे वीर सैनिकों ने जो वहाँ पर अपने जीवन की आहुति दे दी है और देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है उनको हम नमन करते हैं और उनको अपने तय दिल से जो है उनको श्रद्धांजलि जो है वो हम अदा कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे जो बारबीडोज हैं, वीर नारियां हैं जिन्होंने अपना शौर्य खोया, जिन्होंने अपने भाई खोया, जिन्होंने अपना बेटा खोया, उनको भी हम सलाम करते हैं और नमन करते हैं। और जो दूसरे हमारे जो पूर्व सैनिक जिन्होंने 71 वार में जो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है उनको भी हम बहुत नमन करते हैं और उनकी और सभी जो हमारे जल थल और वायुसेना उन्होंने मिलकर जो पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ पर बांग्लादेश जो है बन गया है और ये बड़ी एक हिस्टोरिकल एक मूवमेंट है। उस वक्त जो है वो 93,000 जो पाकिस्तान के सोल्जर जो हैं वो हमारे आर्मी कमांडर के सामने जो है जनरल नियाजी जो उनका कमांडर था उन्होंने जो है वो जनरल अरोड़ा जो हमारे ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे उनके सामने जो हथियार डाले और उनको हमने बंदी बनाया। और इस प्रकार से जो है जो पाकिस्तान के जो है ना उनकी ज्योग्राफी जो है वो चेंज कर ली है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और इसको हम जो आज 50 साल होने को आए हैं तो उसको हम सारे जो उसमें जो हमारे योद्धा जो हैं जो वहाँ पर देश के लिए शहीद हुए हैं उनको हम फिर से हम नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।